Hello everyone, my name is CS Payal and I welcome you to Magnet Brains channel. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स के बारे में जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था. आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी. उसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अलग अलग वे में हेल्प करने की कोशिश करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट थी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे स्पेशली फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू SSIs, और उसमें से फर्स्ट हमारा है NABARD. ओके, सो फर्स्ट तो ये अब्रीविएशन है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनल बैंक फॉर व्हाट? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सी, अपने आप में एक MCQ क्वेश्चन है, तो ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. MCQ में ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि बताइए NABARD की फुल फॉर्म क्या है. उसके अलावा दे कैन ऑल्सो आस्क यू द ईयर इन विच इट वॉज फॉर्म्ड, तो वो ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है और ये भी अपने आप में एक MCQ क्वेश्चन है. अब थोड़ा सा फोकस करते हैं इसके पूरे नाम पे, क्या है नेशनल बैंक. बैंक मतलब क्या? फाइनेंस से डील करेगा. फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मेन मोटिव समझ में आया इनका? इनका मेन मोटिव है एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या उनकी डेवलपमेंट करना, इस बैंक की जिम्मेदारी रहेगी. अब कोई भी बैंक किस तरह से हेल्प करता है? ऑब्वियसली फाइनेंस दे के हेल्प करता है, लेकिन ये हर किसी को फाइनेंस नहीं देगा. ये किनकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है? ये डेवलपमेंट के लिए काम करता है एग्रीकल्चर या फिर रूरल इंडस्ट्रीज़ की या फिर रूरल एरियाज़ की. तो उन्हीं लोगों को लोन मिलेगा जो इन दोनों फंक्शंस में से कोई भी एक कर रहे होंगे, इनमें से किसी की भी ग्रोथ के लिए काम कर रहे होंगे, उनको NABARD से पैसा मिल सकता है. सो व्हाट इट सेज, इट सेज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज सेट अप इन 1982 में बना था, ठीक है. तो ये क्या है? हमारा MCQ है. टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट. इसका मेन मोटिव क्या था? कि हमारे यहाँ पे जो रूरल एरियाज जो होते हैं, जो गांव वाले एरियाज होते हैं, जो जनरली डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि लोग उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं, लोग उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचते ही नहीं हैं, उनकी डेवलपमेंट कराना इस पर्टिकुलर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई थी. देन दे से अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इट सपोर्ट्स स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल आर्टिसंस. ये बोलता है कि इसके अलावा, मतलब एग्रीकल्चर तो हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया, इसकी फुल फॉर्म में ही पढ़ लिया, एग्रीकल्चर के अलावा ये और क्या क्या काम करता है? तो ये बोलते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उसके अलावा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है विलेज इंडस्ट्रीज को. एंड आई होप आपको विलेज इंडस्ट्रीज का मतलब पता है. अगर नहीं पता है तो हमारी वो एक स्पेसिफिक वीडियो बनी थी इसके ऊपर, आप वो सर्व कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि विलेज इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है. सेम इज द सिनेरियो विद कॉटेज इंडस्ट्री, उसका भी मतलब आप देख सकते हैं वहीं जाके. देन व्हाट दे आर सेइंग कि इनको भी हेल्प प्रोवाइड करना, उसके अलावा जो रूरल एरिया में आर्टिस्ट लोग होते हैं जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, पेंटिंग का, पॉट्स बनाने का, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने का, मूर्तिकार, इन सबकी भी मदद करना इनका काम होता है. किसका? NABARD का. सो NABARD अपने आप में बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है, लेकिन ये याद रखता है कि मुझे डेवलपमेंट करनी है तो किसकी करनी है? रूरल एरियाज की करनी है, गांव वाले एरियाज की करनी है. फिर ये बोलता है यूजिंग व्हाट? क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट अप्रोचेस. ये बोलता है हमेशा मैं फाइनेंस दे के ही आपकी हेल्प नहीं करूँगा, हमेशा मैं आपको क्रेडिट दे के आपकी हेल्प नहीं करूँगा, समटाइम्स मैं आपकी हेल्प नॉन क्रेडिट अप्रोच से भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि क्रेडिट ना भी दे के मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, ऐसी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम्हें जिससे तुम्हें हेल्प मिल रही है, असिस्टेंस मिल रही है. देन दे से इट ऑफर्स काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स. ये बोलता है ये काउंसलिंग प्रोवाइड करता है. काउंसलिंग का मतलब होता है सही गलत बताना, मतलब बेसिकली आप इसके पास जाएंगे, आप कोई डाउट पूछेंगे, वो आपको बताएगा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. एंड कंसल्टेंसी मतलब आपको एडवाइस देने का काम भी करेगा.
एंड प्रोवाइड ऑर्गेनाइजर्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है किनको, रूरल एरियाज में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. सी, ऐसा नहीं है कि सारे एंटरप्रेन्योर्स अर्बन एरिया में ही होंगे. माना कि ये बहुत फैंसी वर्ड है एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये क्वालिटी सिर्फ आपको अर्बन एरिया के लोगों में मिले. रूरल एरिया के भी लोग बहुत सारे इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके पास बहुत दिमाग होता है, जो बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं. क्यों ना हम उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें और उनको भी इतना सक्षम बना दें कि वो पूरे विलेज की डेवलपमेंट कर दें. तो यही बेसिक एम है नबार्ड का कि ये रूरल एरियाज़ के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इतना सक्षम बना देना चाहता है ताकि वो आगे चल के पूरे ही दुनिया पे क्या मतलब पूरे ही अपने विलेज की हेल्प कर सके और इंडिया में उसका नाम आगे रोशन कर सकें. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि नबार्ड क्या क्या काम करता है. एमसीक्यू में से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो यही फुल फॉर्म वाला, दूसरा ये कब बना था, और तीसरा इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं और किसकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है. लेकिन अगर इससे आया आपको एक थ्योरी वाला क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. उसमें आपको ये सारे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जितने भी लाइंस लिखी हुई हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ऐसे मानिएगा ये आपकी हेडिंग्स हैं और इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, तो फिर वो आपका एक कम्प्लीट आंसर बनाएगा विच विल बी वेरी गुड. आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और नोट्स चाहिए तो magnetbrainsbhopal.com पे जाके नोट्स ले लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.